नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों एक जो है बहुत ही अच्छी खुशखबरी आ रही है सभी मुंबई इंडियंस के फैन के लिए। अभी तक की जो है ये खुशखबरी बहुत ही बड़ी होने वाली है। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं, खुशखबरी ये है कि जो रोहित शर्मा है वो मुंबई इंडियंस के लिए IPL 2019 में ओपनिंग करते हुए नज़र आने वाले हैं, और ये जो बात है खुद आकाश अंबानी ने कह दिया है। दोस्तों हम सभी को पता है रोहित शर्मा किस लेवल के प्लेयर है, और IPL में जो है रोहित शर्मा खास करके नंबर 4 पे खेलते हैं। लेकिन हम सभी जो है चाहते हैं कि रोहित शर्मा ओपनिंग करें, क्योंकि टीम इंडिया के लिए रोहित शर्मा वनडे और T20 में लगातार ओपनिंग करते हुए आ रहे हैं, और ओपनिंग करते हुए जो है रोहित शर्मा ने बहुत सारे रिकॉर्ड भी बनाए हैं। तो मुंबई इंडियंस के लिए जो है रोहित शर्मा कई सालों से नीचे बैटिंग करने आते थे, जिसका नतीजा ये होता था कि उनको ज़्यादा गेंद खेलने का मौका नहीं मिलता था। लेकिन दोस्तों अभी खुशखबरी ये है कि 2019 के IPL में जो है रोहित शर्मा ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, उनको ज्यादा गेंद खेलने का मौका मिलेगा, तो रोहित शर्मा ज्यादा रन्स भी मार सकते हैं। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि रोहित शर्मा का ओपनिंग पार्टनर कौन होने वाला है। दोस्तों इसके लिए जो है मुंबई इंडियंस के पास में बहुत सारे विकल्प मौजूद है। इवेन लुइस है, क्विंटन डी कॉक है, ईशन किशन है, सूर्य कुमार यादव है। दोस्तों यहाँ पे जो है 3-4 ऑप्शंस है मुंबई इंडियंस के पास में। लेकिन अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो रोहित शर्मा और क्विंटन डी कॉक ये दो ऐसे परफेक्ट ओपनर है जो कि मुंबई इंडियंस की टीम के लिए बहुत ही अच्छे साबित हो सकते हैं। आप सभी के हिसाब से रोहित शर्मा का ओपनिंग पार्टनर कौन सा खिलाड़ी होना चाहिए, बताओ नीचे कमेंट करके। लेकिन दोस्तों खुशखबरी तो यही है कि जो मुंबई इंडियंस है वो कई सालों से रोहित शर्मा को नीचे बैटिंग करवाती थी, लेकिन 2019 में जो है रोहित शर्मा और मेरे हिसाब से क्विंटन डी कॉक, ये लेफ्ट और राइट हैंड कॉम्बिनेशन मुंबई इंडियंस के लिए काम करेगा और ओपनिंग करते हुए नजर आने भी वाला है। ये थी एक छोटी सी वीडियो, आगे जो है IPL की और भी वीडियोस आएंगी, उसके लिए जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।